हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स मैच के बारे में, जो गाइस खेला जाएगा यहाँ से साल्वाडोर और मेक्सिको के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में इन दोनों टीमों के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जिनका ड्रीम इलेवन पर काफ़ी लो सिलेक्शन रहेगा, और उन्हीं लो सिलेक्शन वाले प्लेयर को आप अपनी टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो। उन्हीं प्लेयर्स को क्यों टीम का कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाए, क्यों गाइस दोनों टीमों की तरफ से वही टॉप परफॉर्मेंस करते हैं अटैकिंग वाइज भी और डिफेंस वाइज भी। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा और अंत तक देखा तो इतना तो कंफर्म, आप इस वीडियो के माध्यम से 3-4 मेंबर तक की लीग इजीली विन कर जाओगे। अगर आप बिल्कुल नए हो और आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। नजर डालते हैं सबसे पहले इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल पर। तो गाइस फिलहाल हम आ चुके हैं इन दोनों टीमों जो पॉइंट्स टेबल वहां पर। तो गाइस फाइनल राउंड है, इसमें मैक्सिको फर्स्ट पोजीशन पर है, वहीं पर बात करें साल्वाडोर इस लीग में मतलब सिक्स्थ पोजीशन पर है। तो गाइस मैक्सिको ने इस लीग में 5 मैच खेले जिनमें से 3 मैच इस टीम ने विन किए, 2 मैच ड्रॉ खेले और 8 गोल किए, लेकिन 3 ही गोल कंसीड किए। तो गाइस 5 मैच में 8 गोल स्कोर करना, आप मान सकते हो ये टीम प्रत्येक मैच में 1.6 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज से टीम गोल करती है। वहीं पर बात करें इसने 5 मैच में सिर्फ 3 ही गोल कंसीड किए, तो इस टीम का जो डिफेंसिव वाइज परफॉर्मेंस है वो 0.6 गोल पर मैच स्कोर कंसीड करने का एवरेज से टीम गोल कंसीड करती है। तो गाइज अटैकिंग वाइज ये टीम प्रत्येक मैच में कम से कम 1 और कभी कभी तक हल्की टीम के सामने 2 गोल पर मैच भी कर देती है, लेकिन डिफेंसिव वाइज ये टीम जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, बेहतर टीम के सामने प्रत्येक 2 मैच में 1 ही गोल कंसीड करती है। तो इस टीम की जो परफॉर्मेंस है वो काफी शानदार है अटैकिंग वाइज भी और डिफेंसिव वाइज भी। अब बात करें साल्वाडोर इस लीग में 5 मैच खेले जिनमें इस टीम ने 1 मैच विन किया, 2 मैच ड्रॉ खेले और 2 मैच इस टीम ने लॉस भी किए हैं। अटैकिंग वाइज सिर्फ 2 ही गोल किए, लेकिन डिफेंस इस टीम ने 5 गोल कंसीड कर दिए। तो गाइस 5 मैच में 2 गोल स्कोर करना, आप मान सकते हो जो इसका अटैक है प्रत्येक मैच में 0.4 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज से टीम गोल करती है। वहीं पर बात करें इसने 5 मैच में सिर्फ 5 ही गोल डिफेंसिव वाइज कंसीड किए, तो इस टीम का जो डिफेंसिव वाइज परफॉर्मेंस है प्रत्येक मैच में 1 गोल पर मैच स्कोर कंसीड करने का एवरेज टीम गोल कंसीड करती है। तो गाइस अटैकिंग वाइज ये टीम प्रत्येक मैच में गोल नहीं कर पाती, आप मान सकते हो कि 2-3 मैच में सिर्फ 1 ही गोल करती है, लेकिन डिफेंसिव वाइज ये टीम जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, बेहतर टीम के सामने पर मैच में 1 गोल कंसीड करती है। तो गाइस अब बात आती है इन दोनों टीमों में से किस टीम को हम अपनी ड्रीम इलेवन टीम के लिए एक फेवरेट टीम मान चले। तो गाइस मैं यहां से मैक्सिको को ही एक फेवरेट टीम मान के चलता हूं। क्यों? क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है इस लीग में वो काफी शानदार है अटैकिंग वाइज भी और डिफेंसिव वाइज भी। लेकिन गाइस हम बात करेंगे जब ये दोनों टीमें आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलती हैं तो क्या परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन दोनों टीमों की ओर से, और वहां से भी क्लियर हो जाएगी कौन सी टीम इस मैच में क्लियर कट फेवरेट टीम होने वाली है हमारी शमोली टीम क्रिएट करने के लिए ड्रीम इलेवन पर। तो नजर डालते हैं इन दोनों टीमों का हेड टू हेड मैचेस पर। तो गाइज इन दोनों टीमों के बीच में पिछले 5 हेड टू हेड मैच हुए जिनमें से साल्वाडोर ने अभी तक एक भी मैच विन नहीं किया, बल्कि 5 मैच इस टीम ने लॉस किए। अटैकिंग वाइज 0.4 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंसिव वाइज 2.4 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। मतलब जब साल्वाडोर मैक्सिको के सामने खेलती है तो अटैकिंग वाइज ये टीम पर मैच में गोल नहीं करती, बल्कि प्रत्येक 2-3 मैच में सिर्फ 1 ही गोल करती है, लेकिन डिफेंसिव वाइज प्रत्येक मैच में कम से कम 2 या 3 गोल पर मैच स्कोर कंसीड करने का एवरेज टीम गोल कंसीड करती है। तो गाइज आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो इस मैच में कौन सी टीम क्लियर कट फेवरेट टीम होने वाली है। मैक्सिको एक क्लियर कट फेवरेट टीम होने वाली है इस मैच में, क्योंकि पिछला मैच भी इन दोनों टीमों के बीच मैच हुआ और वो मैच मैक्सिको 1-0 से विन कर गए। अटैकिंग वाइज इस टीम के सामने 1 गोल किया, लेकिन डिफेंस गोल कंसीड नहीं किया। और उससे पिछले 2 मैच और देखा जाए तो दोनों मैच को मैक्सिको 3-1 से मैच को विन किए। अटैकिंग वाइज दोनों मैच में 3-3 गोल किए, लेकिन डिफेंसिव वाइज 1-1 गोल कंसीड किया। और उससे पिछले मुकाबले 2 और देखा जाए तो दोनों मैच यहां से मैक्सिको 3-0 से विन और फिर यहां से 2-0 से विन। तो परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो ओवरऑल यहां से मैक्सिको जो रहा है वो काफी शानदार है। अटैकिंग वाइज इस टीम के सामने प्रत्येक मैच में कम से कम 2 और कभी कभी तो 3 गोल करती है, लेकिन डिफेंसिव वाइज गोल कंसीड नहीं करती, 2-3 मैच में सिर्फ 1 ही गोल कंसीड करती है। तो परफॉर्मेंस हेड टू हेड में क्लियर कट फेवरेट टीम यहां से मैक्सिको ही देखने को मिलती है। अब बात करें इन दोनों टीमों जो करंट फॉर्म उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल के टाइम पे जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में, तो सबसे पहले नजर डालते हैं साल्वाडोर जो कि करंटली 6 मैच खेल चुके जिनमें से 1 मैच विन, 2 मैच ड्रॉ, 3 मैच इस टीम ने लॉस किए हैं। अटैकिंग वाइज 0.3, मतलब ये टीम भी आप देख सकते हो मतलब प्रत्येक 2-3-4 मैच में सिर्फ 1 ही गोल करते हैं, लेकिन डिफेंसिव वाइज 1.2, मतलब ये टीम जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, बल्कि एक बेहतर टीम के सामने 1 और कभी कभी तो 2 गोल भी कंसीड कर देती है। तो परफॉर्मेंस अटैकिंग वाइज काफी डाउन है, लेकिन डिफेंसिव वाइज अच्छा है क्योंकि टीम जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती। अब बात करें जो पिछला मैच कोस्टा रिका के सामने ये टीम
2-1 से मैच को लॉस कर गई। अटैकिंग वाइज इस टीम ने एक गोल किया लेकिन डिफेंस से दो गोल कंसीड कर दिए और उससे पहले मुकाबला पनामा के सामने ये टीम 1-0 से विन कर गई, उससे पहले मुकाबला 2-0 से लॉस, फिर 3-0 से लॉस और दो मैच इस टीम ने डिफेंसिव वाइज ड्रॉ खेले हैं। दोनों मैच में इस टीम ने यूएस से जो कि काफ़ी अच्छी टीम है उस टीम को इस टीम ने ड्रॉ खेला और होंडरस जो कि वो भी अच्छी टीम है और उस टीम के सामने भी ये टीम ड्रॉ खेली। तो यह का मतलब ये है कि ये टीम डिफेंसिव वाइज काफ़ी अच्छा खेलती है, अटैकिंग वाइज ये टीम पर मैच में गोल नहीं कर पाती। तो गाइस अब बात करते हैं मैक्सिको जो करंट फॉर्म उसका अकॉर्डिंग, तो गाइस मैक्सिको ने करंटली 6 मैच खेले जिनमें से 3 मैच विन, 2 ड्रॉ और 1 मैच लॉस। अटैकिंग वाइज 1.3 गोल पर मैच स्कोर किया लेकिन डिफेंसिव वाइज 0.7 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। मतलब ये टीम प्रत्येक मैच में कम से कम 1 और कभी कभी एक हल्की टीम के सामने 2 गोल पर मैच कर देती है लेकिन डिफेंसिव वाइज ये टीम जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, 2 मैच में सिर्फ 1 ही गोल कंसीड करती है। तो इस टीम की जो परफॉर्मेंस वो काफी शानदार है, अटैकिंग वाइज गोल करती है लेकिन डिफेंस से गोल कंसीड नहीं करती। अब बात करें जो पिछला मैच मैक्सिको होंडुरस के सामने 3-0 से मैच को विन कर गई, अटैक में 3 गोल किए, मतलब अटैकिंग वाइज इस टीम ने 3 गोल किए लेकिन डिफेंस से गोल कंसीड नहीं किए और उससे पहले 2 मैच इस टीम ने अटैकिंग वाइज ड्रॉ खेले, दोनों मैच में 1-1 गोल किए लेकिन डिफेंस से भी गोल कंसीड किया और उससे पहले 2 मैच इस टीम ने 1-0 से विन और 2-1 से विन। तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा अटैकिंग वाइज भी और डिफेंसिव वाइज भी और एक मैच इस टीम ने यूएसए के सामने खेला और उस मैच को ये टीम लॉस कर गई और जो कि यूएसए के सामने सालवाडोर ने मैच को डिफेंसिव वाइज 0-0 से ड्रॉ खेला। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि डिफेंसिव वाइज काफ़ी अच्छी टीम है सालवाडोर, अटैकिंग वाइज प्रत्येक मैच में गोल नहीं करती बल्कि डिफेंसिव वाइज गोल कंसीड भी नहीं करती। तो गाइस फाइनली अब इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या हो सकता है हमारी शमोली टीम क्रिएट करने के लिए ड्रीम 11 पर। तो गाइस सबसे पहले हमने इन दोनों टीमों के पॉइंट टेबल पर नजर डाली, फिर इन दोनों टीमों को हेड टू हेड मैचेस पर नजर डाली, फिर इन दोनों टीमों को रीसेंट फॉर्म पर नजर डाली। तो गाइस इन तीनों चीज़ों को एक साथ मद्देनजर रखते हुए इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या हो सकता है। तो गाइस पॉइंट टेबल के अकॉर्डिंग क्लियर फेवरेट टीम यहां से मैक्सिको देखने को मिलती है, अटैकिंग वाइज गोल करती है लेकिन डिफेंस से गोल कंसीड नहीं करती। सालवाडोर का परफॉर्मेंस ऐसा है कि टीम पर मैच में गोल नहीं करती बल्कि डिफेंसिव वाइज पर मैच में गोल कंसीड कर देती है। अगर हेड टू हेड में देखा जाए तो क्लियर कट फेवरेट टीम यहां से मैक्सिको देखने को मिलती है, अटैकिंग वाइज टीम के सामने कम से कम 2-3 गोल आराम से करती है लेकिन डिफेंस से गोल कंसीड नहीं करती। अब बात करें रीसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग मैक्सिको की जो परफॉर्मेंस है प्रत्येक मैच में 1-2 गोल पर मैच स्कोर करती है लेकिन डिफेंस से गोल कंसीड नहीं करती, लेकिन सालवाडोर का जो करंट फॉर्म है वो टीम प्रत्येक मैच में गोल नहीं करती बल्कि डिफेंस वाइज बेहतर टीम के सामने 1 गोल कंसीड कर देती है। तो गाइस फाइनली क्या हो सकता है इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन, तो गाइस मुझे लगता है कि सालवाडोर ये मैच अपना होम ग्राउंड में खेलेगी और होम ग्राउंड को इस टीम के पास एडवांटेज रहेगा, इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करे इस टीम के सामने डिफेंसिव वाइज भी और अटैकिंग वाइज भी। तो मुझे लगता है कि सालवाडोर इस मैच में गोल नहीं कर पाएगी, तो इसलिए यहां से 1-0 से मैक्सिको इस मैच को विन कर जाएगी, क्योंकि मैक्सिको 1-0 क्यों, क्योंकि सालवाडोर का जो परफॉर्मेंस है वो डिफेंसिव वाइज अच्छा है, तो इसलिए मैक्सिको 1 गोल और 0 गोल सालवाडोर। 1-0 के प्रेडिक्शन के अनुसार जो हमारी ड्रीम इलेवन टीम रहेगी वो बनाने वाले हम ड्रीम 11 पर। उससे पहले बात करेंगे इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो नजर डालते हैं सालवाडोर के प्लेयर्स के बारे में, फिर नजर डालेंगे मैक्सिको के प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, नजर डालते हैं सालवाडोर के प्लेयर्स के बारे में। उससे पहले अगर आप बिल्कुल नए हो रहा आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका एक क्लिक होने पर सब्सक्राइब हो जाएगा, लेकिन हम आपके लिए कंटिन्यू ऐसी मेहनत करते रहेंगे, तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, इस मैच जो मेरी फाइनल टीम रहेगी वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने टॉप के कॉमेंट और इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां से चाहे तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। बात करते हैं सीधे मुद्दे के प्लेयर वाइज, कौन से प्लेयर ने कितने गोल और कितना असिस्ट किया, तो नजर डालते हैं सालवाडोर के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस सालवाडोर की टीम की तरफ से गोल्ड कप में हाईएस्ट गोल टेकर रिवास जिसने 3 गोल किए, तो मेरे हिसाब से आप इसको पिक करना चाहिए कि अगर गोल आ गए तो इस टीम की तरफ से इसी प्लेयर का आएगा। डब्लू मार्टिनेज जो कि इसका सिलेक्शन परसेंटेज वेरी लेस है लेकिन प्लेयर अच्छा भी नहीं है तो इसलिए आप इग्नोर ही करना। जे हेनरी की एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनको हम टीम में जरूर ट्राई करके चलेंगे। अलेक्जेंडर रोल्डान जो कि एक ऐसा प्लेयर जो डिफेंसिव पॉइंट भी देगा प्लस अटैकिंग वाइज शायद गोल कर भी दे, तो उस कंडीशन में यहाँ से जो टॉप प्लेयर निकल कर आते हैं रोल्डान एक इंपॉर्टेंट है और यहाँ से रिवास एक इंपॉर्टेंट, जे हेनरी एक इंपॉर्टेंट है, बाकी का आपके सामने रिकॉर्ड है। अब नजर डालते हैं इस टीम तरफ वो कौन से प्लेयर है जिन्होंने इस टीम इन प्लेयर्स के लिए असिस्ट निकाले, तो नजर डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस असिस्ट में हमें अगर देखा जाए तो तमाकास जो कि इस टीम तरफ से 2 असिस्ट कर चुका है, ये आपको डिफेंडर में देखने को मिलेगा, मैं इसको अपनी टीम में अभी के लिए पिक करके चलाऊँ, परफॉर्मेंस अच्छा रहता है इसका, अटैकिंग वाइज पर मैच गोल नहीं करता ना ही असिस्ट करता बैकिंग, लेकिन इस टीम का जो मतलब इंटरसेप्शन टैकल का पॉइंट रहेगा ना इस प्लेयर का वो काफ़ी शानदार रहेगा, इसलिए मैं इसको पिक करके चलाऊँ। मार्टिनेज को मैं फिलहाल ड्रॉप करके चलाऊँ, मोरिना इसको भी ड्रॉप करके चलाऊँ और यहाँ से मोर्टिलो, इनका कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है इसलिए मैंने इसको पिक नहीं किया, क्योंकि एक असिस्ट निकालना कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो इसलिए मैं इन सबको अभी के लिए ड्रॉप करके चलाऊँ। अब बात करते हैं जो सेकंड टीम यानी मैक्सिको के जो प्लेयर्स उनके बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किया, तो नजर डालते हैं मैक्सिको के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस मैक्सिको की टीम तरफ फिलहाल टाइम जो हाईएस्ट गोल टेकर हिरविंग लोजानो जो कि
आप जानते हो कि ये सीरी ए लीग में खेलता है और वहाँ पर जो इसका परफॉर्मेंस वो काफ़ी शानदार है। तो मेरी टीम को फिलहाल के लिए कैप्टन है, सिलेक्शन परसेंटेज वेरी लेस है लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर है जेसस क्रोना, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। काफ़ी चाइना ढूंढा लेकिन यहाँ पर क्रोना मिल गया है, तो इसका ही गोल है तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा ये। और यहाँ से पिनेडा खेलेगा तो 90 मिनट नहीं खेलेगा, कम से कम 65 मिनट में सब्सिट्यूट हो जाएगा। एक चीज़ याद रहे क्योंकि साल्वाडोर का डिफेंस अच्छा है, अगर ये 65 मिनट में गोल नहीं कर पाएगा तो आपके लिए डिफेंसिव पॉइंट नहीं देगा। तो उस कंडीशन के अनुसार मैं अभी के लिए ड्रॉप करके चलाऊँ, लेकिन प्लेयर अच्छा है। और यहाँ से फुनेस मोरी अगर खेलेगा तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर और टीम का कैप्टन भी बना सकते हो, क्योंकि ये मतलब शायद क्लब लियोन के लिए खेला और वहाँ पर इसका जो परफॉर्मेंस था एमएलएस लीग में वो काफ़ी शानदार था। इसने प्रत्येक मैच में गोल किया है। तो यहाँ से अलेक्स वीगा एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, बाकी सेबास्टियन कोर्डोबा ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, डिफेंसिव पॉइंट देता है, कभी कभी गोल भी कर देता है। तो यहाँ से जो भी प्लेयर्स, हेनरी मार्टिन अगर खेलेगा तो टॉप प्लेयर है, तो आप जानते हो मैक्सिकन लीग खेलता है और मैक्सिकन लीग में इसका जो परफॉर्मेंस रहता है वो काफ़ी शानदार है क्लब लियोन के लिए। तो इसके इंपॉर्टेंट प्लेयर फिलहाल के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर निकल कर आते हैं, लोजानो एक इंपॉर्टेंट है, कोरोना एक इंपॉर्टेंट है, अगर मूरी खेलने का चांस कम है, कोर्डोबा खेलेगा शायद नहीं, इसलिए हेनरी मार्टिन नहीं खेलेगा। मैं यहाँ से फिलहाल के लिए टॉप टू को पिक करके चलाऊँ, क्यों? क्योंकि बाकी सभी अटैकर को पिक नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ से जो सेकंड टीम है उसका डिफेंस काफ़ी मजबूत है और जल्दी से गोल कंसीड नहीं करेगी, तो इन दोनों प्लेयर्स का ही गोल असिस्ट आने का ज़्यादा चांस है। तो इसलिए मैं यहाँ से दोनों को पिक करके चलाऊँ। अब बात करें इस टीम तरह से कौन से प्लेयर है जिन्होंने असिस्ट निकाले, तो गैज असिस्ट मामले देखा जाए तो लोजानो के इंपॉर्टेंट प्लेयर असिस्ट भी निकाल चुका, पिनेडा एक गोल एक असिस्ट निकाल चुका, लेकिन पिनेडा इस टीम तरफ से मेरे हिसाब से फर्स्ट चॉइस पेनल्टी टेकर है, फिर उस नहीं तो यहाँ से लोजानो लेगो। लुइस रोमो जो कि डिफेंसिव पॉइंट देगा, अटैकिंग वाइज असिस्ट कर सकता है लेकिन डिफेंसिव इंटरसेप्शन टेकल पॉइंट काफ़ी देंगे। तो यहाँ से जो प्लेयर हैं पिनेडा और लोजानो इंपॉर्टेंट निकल कर आता है, लुइस भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अब बात करते हैं इस मैच की स्कोरलाइन प्रेडिक्शन, अभी के लिए हमने 1-0-1 रखी है और 0-1 का प्रेडिक्शन के अनुसार क्या रहती है इस मैच, जो हमारी शमोली टीम है ड्रीम इलेवन पर, तो नजर डालते हैं ड्रीम की टीम पर। और उससे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपका एक सब्सक्राइब करना आप हमें मोटिवेट काफी देता है एक बेहतर टीम बनाने के लिए। तो नजर डालते हैं ड्रीम इलेवन की टीम पर। तो गाइस अभी के लिए ये टीम है जिसमें, अभी के लिए क्या मतलब, क्योंकि अभी लाइनअप से पहले पहले टीम है जिसमें लोजानो कैप्टन है और हरेरा को वाइस कैप्टन रखकर चलें, पिनेडा को हम अपनी टीम में पिक करके चलें, रिवास को पिक कर चलें, जय हेनरिक को पिक कर चलें और यहाँ से टम आकाश को पिक कर चलें। क्यों पिक कर चलें, इनका रिकॉर्ड बेहतर, रिकॉर्ड के अनुसार अभी टीम है, लेकिन लाइनअप के अनुसार जो प्लेयर की पोजीशन रहेगी, कौन से प्लेयर अटैकिंग वाइज खेलेगा, कौन से प्लेयर डिफेंसिव वाइज खेलेगा, उसके अनुसार जो फाइनल टीम रहेगी वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने टॉप के कमेंट और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन डाल दिया, आप वहाँ से चाहे तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। गलार्डो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लो स्कोरिंग मैच में जब हेडर में गोल करके दे सकता और इन्हें टीम का कैप्टन बना सकते हो। मोरिनो भी कैसे प्लेयर है, लेकिन लुइस रोड्रिगो जैसा ऐसा प्लेयर जो असिस्ट पोटेंशियल काफी हाई रखता है, तो चाहे तो एक लो स्कोरिंग मैच में से सीधा कैप्टन वाइस कैप्टन दे सकते हो और इंटरसेप्शन टेकल का भी पॉइंट देगा। तो यहाँ से जो मैन इंपॉर्टेंट प्लेयर है मैंने आपके लिए सभी के बारे में बताया, तो इसलिए फिलहाल के लिए ये टीम है। लाइनअप आने के बाद फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल मिलेगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने टॉप के कमेंट और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच वीडियो कंप्लीट देखने के लिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।